कांग्रेस पार्टी का अगर 2019 का मैनिफेस्टो हम देखें तो 2019 के मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में पेज नंबर 17 और पॉइंट नंबर 11 इसमें वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम ये जो एपीएमसी का कानून है उसको निरस्त कर देंगे, जो मंडी का कानून है कृषि मंडी का उसको निरस्त कर देंगे और जो कृषि उत्पाद है उसको बेचने के लिए एक अलग व्यवस्था खड़ी की जाएगी। इतना ही नहीं तो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको भी कांग्रेस निरस्त करेगी और उसकी जगह एक नया कानून लाएगी। ये भी कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र में पेज नंबर 18 पर स्पष्टता के साथ कहा गया है। 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि कांग्रेस शासित राज्यों में जहां पर कांग्रेस का शासन है वहां पर सब्जियां और फल जैसे सारे कृषि उत्पाद इनको हम मंडी के कानून से एग्जम्प्ट करेंगे और इनको कहीं पर भी बेचने के लिए हम अनुमति देंगे।